Hi everyone, welcome to our channel. Please subscribe for more different kind of videos and press the bell icon. आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्प्रिंग रोल्स. उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए. 500 ग्राम चिकन. ये चिकन को हमने बॉईल किया है नमक, काली मिर्च और अदरक लहसुन पेस्ट के साथ और उसको फिर ऐसे श्रेड कर लिया है. और हाफ टी स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली सॉस, हाफ टी स्पून टोमेटो केचप, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, 2 टी स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च, फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम शिमला मिर्च, फाइनली चॉप्ड अनियन प्याज, फाइनली चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस ये प्याज की पत्ती है इसको फाइनली चॉप्ड किया है, और ग्रेटेड कैरेट गाजर. चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी. पहले एक पैन ले लीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा तेल डालिए, बस इतना काफी है. उसके बाद जीरा डालिए, फिर फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली डालिए, थोड़ा सा हिला लीजिए, फिर अनियन डालिए, थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने दीजिए उसे, अदरक लहसुन पेस्ट डालिए, थोड़ा सा स्टर करिए, चॉप्ड कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन थोड़े डालिए, फिर थोड़ा अनियन डाल रहे हैं, ग्रेटेड कैरेट डाल दीजिए, फिर हमारे पूरे मसाले डालिए, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, हल्दी, लहसुन, टी स्पून, रेड चिल्ली पाउडर, हम लोग तीखा पसंद करते हैं इसके लिए 2 टी स्पून डालिए, आप अपने अनुसार डालिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए. जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, रेड चिल्ली पेस्ट, टोमेटो केचप, सोया सॉस, हमें बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है. और अब डाल दीजिए हमारा चिकन और उसको अच्छे से स्टर कर दीजिए. ये हमारा बनकर रेडी है. अब इस ऊपर से हम ये स्प्रिंग अनियंस डालेंगे और ये चाट मसाला पाउडर डालेंगे. चलिए बनकर रेडी है हमारा मिक्सचर. अब हम इसके रोल्स बनाएंगे, उसका नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊंगी अब. चलिए स्प्रिंग रोल्स का मिक्सचर तैयार हो चुका है. अब हमें मैदा शीट्स बनाने के लिए चाहिए 2 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा ऑयल और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा पानी, नॉर्मल वाटर है ये. इसके लिए हम 2 कप्स मैदा ले लेंगे और इसमें 1/2 कप कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे ताकि ये क्रिस्पी बने. फिर साल्ट अपने अकॉर्डिंग डालिए आप लोग जितना चाहिए. फिर इसको थोड़ा सा ऐसा मिक्स कर लीजिए. मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे
वन स्पून टू स्पून जितना आप ले रहे हैं मैदा उसके अकॉर्डिंग डालिए। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बना लेंगे इसका। मैंने डो बनाकर रेडी कर लिया है, अब इसे हम 20 मिनट्स भिगने रखेंगे। फिर उसके बाद हमारे शीट्स बना लेंगे, स्प्रिंग रोल के शीट्स। चलिए हमने जो डो बना लिया है उसके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाकर शीट्स बना लेंगे। चलिए हम इसकी गोल रोटी बेल लेंगे, ज्यादा नहीं बेलेंगे, पहले इतने इतने ही बना लेंगे। चलिए ये बनकर रेडी है रोटी, उसको हम ऐसा ऑयल अप्लाई कर लेंगे ब्रश से। ये ट्रिक है स्प्रिंग रोल्स बनाने की, काफी अच्छी ट्रिक है। ऐसा ऑयल स्प्रेड कर लेंगे, फिर थोड़ी सी खुश्की डालेंगे ताकि वो चिपक ना जाए। फिर दूसरी लेयर ऐसा उस पर ढापेंगे, फिर ऑयल अप्लाई करेंगे। थोड़ी खुश्की डालकर हम इसे धीरे धीरे बेल लेंगे। चलिए हमने ये बेल लिया है, अब इसको हम सेक लेंगे। हमारा तवा गर्म हो चुका है, चलिए हम इस पर डालेंगे हमारे, इसको ज्यादा ना सेके, बस हल्का हल्का सेके। बस इतना सा काफी है। ठीक है, ज्यादा सेकेंगे तो वो कड़क हो जाएगी। चलिए बस इतना काफी है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे एक मिनट के लिए। चलिए हमने ये रेडी कर लिया है, अब इसे हम सेपरेट करेंगे ऐसा धीरे धीरे कर वो लेयर्स सेपरेट होती है, ऐसा सेपरेट करें, ऐसा इंडिविजुअल पूरे एक साथ रखें जितने भी बनाए हैं आपने। फिर ऐसे पूरे लेयर्स एक साथ कलेक्ट कर हम एक नाइफ लेंगे और इसे ऐसे फोर साइड्स कट कर लेंगे। अब मैं इसमें फिलिंग करूंगी। बोल में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून मैदा, 1 पिंच काली मिर्च और 1 पिंच नमक डालकर हम इसे स्लरी बना लेंगे ताकि उसके साइड्स हम सील कर सके। इसको मिक्स कर पानी ऐड कर स्लरी बना लेंगे। ये हमारा स्लरी रेडी है, अब हम रोल्स बनाने के लिए जाएंगे। चलिए हमने ऐसा मिक्सचर रेडी कर लिया है, मिक्सचर पूरा रेडी कर इस पर रख लिया है। ये कंटिन्यूस चारों भी जल्द से जल्द बन जाएंगे, इसके लिए ये मेथड जरूर फॉलो करें। इसको ऐसा फोल्ड करें, कर ये जो स्लरी हमने बनाया है यानी मैदे का घोल, इसको धीरे से ऐसा ब्रश से लगाएं ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए और इसे तलने में आसानी हो जाए। जो बाकी के बचे हैं ऐसे ही सिमिलर हम उन लोग को भी रोल स्प्रिंग रोल बना लेंगे और फिर फ्राई करने रख देंगे। ये लीजिए हमने पूरे बनाकर रेडी कर लिया है, इसे हम एयरटाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में भी रखकर फ्रीज कर सकते हैं, 10 या 15 डेज बाद भी इसे फ्राई कर खा सकते हैं। चलिए अब हम फ्राई करते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें फ्राई करेंगे हमारे स्प्रिंग रोल्स और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
चलिए हम इसे निकाल लेंगे। प्लेटिंग कर लेंगे। हमने प्लेटिंग कर ली है, देखिए बहुत क्रिस्पी बने हैं। आ रही है आपको आवाज़? एंजॉय।